Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are fine. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, today I will teach you maths. Our lecture is 1. Today date is 30th November 2020 and day is Monday. Open up your maths workbook page number 15. Write your date. Today date is 30th November. Okay, draw today's weather. जैसे भी आज का मौसम है आपने यहाँ पे draw करने हैं. अगर सनी है तो आपने सन करना है, क्लाउडी है तो क्लाउड, और अगर आपने रेनी है तो क्लाउड्स बना के आपने रेन बनानी है. ओके, सॉलिड शेप्स. और टॉपिक इज सॉलिड शेप्स. आज हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में. सॉलिड शेप्स की एक टाइप पढ़ेंगे हम, सिलेंडर. सॉलिड शेप्स होती कौन सी? जो सॉलिड फॉर्म में होती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. दीज आर सिलेंडर्स. ये कौन से इसमें है? सिलेंडर्स शेप में है. ठीक है, रोलिंग पिन, बैटरी सेल, कैन, डस्टबिन, बॉटल. ये आपके घर में देखिए, नॉर्मली आपके मामा आपकी रोटी किससे बनाती है? देखिए, रोलिंग पिन से, बेलन से. बैटरी सेल जो आपके टॉय में हो सकता है, आपके रिमोट में हो सकता है, आपके टीवी रिमोट में होता है, ये बैटरी सेल है. ओके, कैन आपकी कोई भी आपके पास टीन जो होता है जिसमें आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वो वाला. डस्टबिन नॉर्मली आपके घर में होती है, ऐसी डस्टबिन होगी वो सॉलिड शेप में होती है, और ये कौन सी? सिलेंडर शेप में होगी. बॉटल, वाटर बॉटल या आपकी कोई भी कलर बॉटल. ओके, अ सिलेंडर हैज थ्री फेसेस. हाउ मेनी फेसेस सिलेंडर हैज? थ्री फेसेस. टू आर प्लेन एंड वन इज कर्व्ड. आप देखिए, टू प्लेन फेसेस होते हैं, ये देखिए, दीज आर प्लेन फेसेस, और वन इसका कर्व फेस होता है. ठीक है, दिस इज कर्व फेस. ओके, ड्रॉ सिलेंडर्स ऑन डॉट, कलर देम ऑरेंज. आपने डॉट्स के ऊपर सिलेंडर ड्रॉ करना है और आपने इसमें ऑरेंज कलर करना है. आपने ऑरेंज कलर करना है. व्हाट इज द कलर ऑफ सिलेंडर शेप? ऑरेंज कलर. व्हाट इज द कलर ऑफ सिलेंडर शेप? ऑरेंज कलर. आपने ध्यान से इनको डॉट्स को ट्रेस करना है, उसमें ऑरेंज कलर करना है. सर्कल द सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट. आप इसमें सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट कौन से आपने उसको सर्कल करना है. इज दिस सिलेंडर शेप? नो. इज दिस सिलेंडर शेप? नो. यस, दिस इज सिलेंडर शेप. आपने कोल्ड ड्रिंक के स्टीन को आपने सर्कल कर लिया. ओके, नेक्स्ट, ओपन अप योर नेक्स्ट पेज 16. टुडे डेट इज 30th 11. सॉलिड शेप्स, स्टोरी टाइम. ठीक है, माय सिलेंडर बॉटल ऑफ जमजम. मेरी जमजम की सिलेंडर बॉटल जो है. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. माय नेम इज अहमद. मेरा नाम अहमद है. एंड आई एम अ मुस्लिम. और मैं कौन हूँ? मुसलमान हूँ. दिस इज माय बॉटल ऑफ जमजम. ये मेरी जमजम की बॉटल है. इट्स शेप इज सिलेंडर. इसकी कौन सी शेप है? सिलेंडर है. I like to drink zamzam. मुझे पीने में पसंद है zamzam. क्यों? Because it is clean and has no germs. ये साफ होता है और इसमें germs नहीं होते. Do you know what I do? क्या आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ? I put a small amount of zamzam from my cylinder bottle into my school water bottle. कहते हैं कि मैं थोड़ा सा जो zamzam का पानी है जो cylinder shape में होता है, मैं अपने स्कूल वाली जो वाटर बॉटल होती है उसमें थोड़ा सा डाल लेता हूँ. This makes the water of my school water बॉटल ऑल्सो क्लीन. अब ये क्या करते हैं, जो पानी होता है मेरे स्कूल वाली बॉटल में, अब उसको साफ कर देते हैं. Whenever I am sick, जब भी मैं बीमार होता हूँ, I drink this water and get well. मैं ये पानी पीता हूँ और ठीक हो जाता हूँ. Allah has blessed us with this pure water. Alhamdulillah. अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है कि हमें साफ पानी दिया है पीने को. Alhamdulillah. जमजम का पानी जो होता है साफ होता है, बिल्कुल साफ होता है, और इसमें जर्म्स नहीं होते. अगर आप बीमार हो तो आप जमजम का पानी पिए, अल्लाह ताला आपको शिफा करते हैं. ठीक है, यूज ऑरेंज कलर फॉर सिलेंडर्स इन ईच मॉडल. आपने ऑरेंज कलर लेना है और आपने यहाँ पे जो मॉडल है फोर यहाँ पे बॉक्सेस में सिलेंडर शेप्स में उसको कलर करने हैं. दिस इज सिलेंडर शेप, दिस वन ऑल्सो. अब यहाँ पे सिलेंडर शेप में ये है, ये है, यहाँ पे टू सिलेंडर शेप्स हैं, और यहाँ पे भी टू सिलेंडर शेप्स हैं. ओके, आपने इनको ध्यान से ऑरेंज कलर करने हैं. ओके, आई होप सो आपको समझ आ गया हो. आपने कलर्स ध्यान से करने, कलर्स आपने बाहर नहीं निकाले, और ऑरेंज कलर ही आपने सिलेंडर शेप में करना है. ओके, कोई और आपने कोई भी कलर आपने इसमें नहीं करना. सिलेंडर शेप में सिर्फ ऑरेंज कलर होता है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हम काम खत्म करेंगे. आप भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के काम खत्म करें. ओके, अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.